प्रयाग जो दीवार सेंटर है, दीवार सेंटर खाली मुंडी का बना है, हाँ ये जी गला है, ये पोजीशन है। ओके ओके सर, टेक करते हैं, देखना किधर को है। एक्शन का आपको बाकी आएगा, एक्शन का ये लाइन है ना, मुझे नफरत है सर। आजी सर 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 तो कोई ना एक्शन, तुम जैसे लोगों को देखकर आप बोलो एक्शन, आ जाओ। तुम जैसे लोगों को देखकर हाँ सॉरी बनो रोलिंग एक्शन। जी एक्चुअली मैंने रियल लाइफ में अभी तक थैंक गॉड भूत देखा ही नहीं है, बट ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा था। नहीं, मैंने ना तो भूत देखा है, एंड आई होप कि कभी मुझे देखना भी ना पड़े, बट आई डोंट नो। ये सब तो हमने सुनी सुनाई बातों से, स्टोरीज बुक्स में या ऐसे टीवी पर, काफ़ी शोज पे देखा है, तो हाँ वही थोड़ा। बट आई एम अ कॉमिक भूत, आई एम नॉट एग्जैक्टली डरावनी भूत नहीं हूँ मैं, कॉमिक जैसे आप मेरे लिप्स देख रहे हैं, हाँ है कुछ। तो मेरी हवा उड़ जाएगी, तो मुझे ऐसा लगेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगेगा कि कोई पुरानी डॉल फेंकी हुई कहीं होगी ना, वो वैसे वाला मुझे थोड़ा मेरा गेटअप लगता है। एंड बट ऑल्सो आई थिंक आई एम अ सेक्सी भूत, तो थोड़ा मिक्स है, तो या बट ऑफकोर्स आई बी वेरी स्केर्ड, मैं बहुत डर जाऊंगी, और फिर मैं वैसे ही मैं अकेले नहीं सोती, वैसे भी मैं बहुत डरती हूँ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा क्या हाल होगा, हवा उड़ जाएगी। हाँ मुश्किल है एक्चुअली, आई एम अ डांसर, लेकिन फिर भी क्या होता है कि डांसिंग में ग्रेसफुली हम बॉडी हिला सकते हैं। कुछ कुछ शॉट्स, जैसे अभी मैंने एक शॉट किया जो आप फाइनली देखेंगे जैसे आता है, उसमें आपको पूरे बॉडी के साथ घूमना होता है, तो वो बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए अपना बैलेंस बनाए रखना, एंड यूजली एक टेक्निक होती है कि आप एक पॉइंट पर देखते हो और बार बार उसी पॉइंट को देखते रहते हो बार बार, तो वैसा थोड़ा बहुत होता है, बट हाँ इट्स टफ, नॉट इजी। जी बहुत, अगर अभी कोई एपिसोड देख रहा है जो लास्ट एपिसोड गया है, तो ऐसे लग रहा है जैसे भूत, मतलब भूत के बारे में है, और कुछ मिस्टीरियस फैक्टर है कि कौन है इस कॉलेज में जो सबको परेशान कर रहा है, ये वो, तो आप इमेजिन कर सकते हो हर एपिसोड का जो फ्रीज होगा एक ऐसे पॉइंट पे होगा
मुझे लगता है हमारे भैया जी वहाँ पे गा रहे हैं अंदर, तो सब पागल हो गए यहाँ पे. तो ऐसे है, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो कि शॉकिंग होंगे. आई मीन आई एम श्योर, क्योंकि हमें भी स्टोरी बिट्स एंड पीसेस में पता चलती है. जो हमें पता चली तो हमें लगा कि अरे ऐसा है, तो डेफिनेटली ऑडियंस के लिए भी ज़्यादा शॉकिंग होगा. और हमें ऐसे मोनिका को ऐसे देख के आई थिंक यमराज का फ्रॉम डे वन ना, विथ मेकअप विदाउट मेकअप, भूत नॉन भूत, मोनिका को देख के कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. बात से मुझे बहुत दुख है कि अगर मैं भूत भी बन जाऊँ, अगर मैं कुछ भी बन जाऊँ, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है. वो बहुत नॉर्मल रिएक्ट करते हैं. तो आई होप, मतलब मैंने क्या क्या ट्राई कर लिया इमेजिन कि वो रिएक्ट करें. जब वो रिएक्ट करेंगे शो में, बहुत बड़ी बात होगी मोनिका के लिए. तो आई डोंट थिंक उनका कुछ रिएक्शन होगा. मोनिका कुछ दिखाना नहीं चाहती. मोनिका बस चाहती वो उसे दिखाए कि वो उसे कितना पसंद करते हैं, जो पता नहीं कब होगा. और अगर आपने मुझे ज्यादा पूछा तो मैं चली जाऊंगी. दैट्स ऑल. ओके बाय, थैंक यू.